सुजैन साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कवर करेंगे, थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, चार्ट पे लेके चलेंगे आप सभी को और वहां पे आप सभी को थोड़ी सी लर्निंग जरूर प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही कोई पेड ग्रुप है, इसलिए मेरे नाम से अगर आप सभी से कोई पैसे मांगता है तो प्लीज़ पैसे मत दीजिएगा। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं तो उन फेक चैनल्स को मत ज्वाइन कीजिएगा। आप चाहें तो हमारी बहुत सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा पर्सनल इंस्टा अकाउंट भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा। चलिए, अब आपको चार्ट पे लेके चलते हैं, कुछ लर्निंग चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। चार्ट यहाँ पे निफ्टी 50 का लगा हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर वही वाला सीन छूट गया है, एपिक पेन थोड़ा सा ले लेता हूँ ताकि आप सभी को यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूँ, हाईलाइट कर सकूँ चीज़ों को और वहाँ पे आप सभी अच्छे से समझ भी पाएँ। चलो, ये देखिए, यहाँ पे एक जो 23,800 का लेवल लगा हुआ है। देखिए, पहले मैं बता दूँ, कल का वीडियो हम नहीं दे पाए थे आप सभी को, तो इसलिए लेवल दिए हुए थे, एक ब्रेकआउट लेवल दिया हुआ था और आज यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर बूम किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अपने चार्ट पे देखते रहिएगा लाइव मार्केट में, दो दिन पहले आप सभी को बताया था इसके ऊपर मार्केट गई तो 24,000 का लेवल टच करेगी निफ्टी 50। और इवन यहाँ तक हमने ये बताया हुआ था कि 24,025 के आसपास का लेवल टच करेगी। जो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उनको पता है, अदरवाइज वीडियो अभी भी अपलोड है, ना तो प्राइवेट की हुई है ना तो डिलीट की हुई है, आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, मार्केट बंद होने के बाद बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं मार्केट खुलने से पहले यहाँ पे आप सभी को चीज़ें समझा देता हूँ और वो किस तरह से क्या चीज़ें होती है। रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, प्राइस एक्शंस होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ब्रेकआउट एंड रिट्रेस होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई है, आप सभी को लर्निंग भी प्रोवाइड कराई हुई, बिल्कुल फ्री लर्निंग ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जो लेवल्स हमने बताए हुए थे आप सभी को, लगातार ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ बूम करते हुए निकल गए हैं। यहाँ पे एक हमने डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम आपको लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, एक पैरेलल चैनल क्रिएट किया था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मार्केट हमने कहा था इस पॉइंट से ऊपर बूम कर सकती है, तो यहाँ पे ऊपर से बूम करी और यहाँ पे एक नए हाई के कगार पे या फिर नया हाई देखने को आपको मिला है। जो 23,800 का लेवल है ये मेरा एज इट इज ऐसे कैसे लेवल रहने वाला है, क्योंकि मार्केट अगर गिरावट भी करती है तो ये 38% के रिट्रेसमेंट लेवल पे आएगा, हमारा जो लेवल है फिर भी रिट्रेसमेंट लेवल। और हमने कहाँ से इसको मार्क किया है इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा। पहले हम सारी चीज़ें यहाँ पे हटा लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। निफ्टी 50 है, फिर उसके बाद निफ्टी बैंक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो 2 मिनट लंबी हो सकती है तो प्लीज देखिएगा, जरूर पेशेंस के साथ देखेंगे, धैर्य के साथ देखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिल जाएगी। देखिए, यहाँ ये जो लेवल लगा हुआ है आज के टाइम पे देखें तो यहाँ पे इसके आसपास का लो लगा के मार्केट ऊपर की तरफ बूम करी हुई है। ठीक है, अब चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको करते हैं, देन उसके बाद चीजों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ये मैंने रीसेट किया हुआ चार्ट, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लो दिखाई दे रहा है, ये वाला हाई दिखाई दे रहा है। हम फिब रिट्रेसमेंट की वीडियो में, लर्निंग वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पे हमने फिब रिट्रेसमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ पे इसको यहाँ तक ले गए, 38% का लेवल देख सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे, यहाँ पे रिट्रेस करता हुआ सपोर्टिंग लेवल भी है और रिट्रेस अगर करता है तो ये सपोर्ट एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं 805 के आसपास, और ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट होगा, रिट्रेसमेंट लेवल है चूंकि, इसको कर देते हैं डिलीट। कल की रेंज होगी हमारी ये, आज का जो डे हाई है अगर ब्रेक होता है तो नए हाई लगाने के चांसेस, मतलब ब्रेक होगा तो नया हाई तो लगेगा ही, लेकिन 50-60 पॉइंट के हम गेन कर सकते हैं। फिलहाल अभी 23,914 और 24,086 इस लेवल में हम थोड़ा सा देखेंगे, 23,914 24,086 इसके ऊपर हम क्या मार्क करेंगे, 24,150
24,250 मान लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करें तो एक्सटेंशन लगा के दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रेगुलर वीडियो आप सभी अगर देखते रहेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। 50 के आसपास में मैंने एक लेवल मार्क कर दिया है, इसके नीचे अगर आती है तो बस मुझे यहाँ पे लेना है क्या, कहाँ गया, ये रेक्टेंगल टूल लेते हैं और ये वाला पॉइंट जो है तो ये करते हैं। ये है निफ्टी 50 कल का व्यू, सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए लीजिएगा, किसी भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आप सभी देखिएगा चार्ट पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ट्रेड वेट मत कीजिएगा। अब हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी में भी देखें तो हमने यहाँ पे कल का कोई वीडियो बनाया हुआ नहीं था, तो ये आज जिस तरह से चली वो चली है, अदरवाइज ये इस लेवल से ऊपर की तरफ गई है, इसको ब्रेकआउट करके इस लेवल के आसपास टच भी करी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेक्ट थे, क्या करते हैं हम यहाँ पे सारे लेवल्स रिमूव करते हैं और ये जो लेवल है इसको मार्क कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल टूल की मदद से हम यहाँ पे ये डिमांड जोन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे जब जब मार्केट आएगी तो मुझे डिमांड दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद में हम रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं, कहाँ से, इस वाले लो पॉइंट से रिट्रेसमेंट का लेवल लगाते हैं, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे हो जाएगा। वही जो मैंने ये डिमांड जोन लगाया हुआ है ये 38% के आसपास में आ गया, ठीक है। ये होता है एक्सपीरियंस, अगर आप भी डेली ये चार्ट देखते हैं, लाइव मार्केट में चार्ट देखते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आपको भी ये एक्सपीरियंस आ जाएंगे। 38% के आसपास का ये है रिट्रेसमेंट, तो ये डिमांड जोन हमारा ऐसे ही वर्क करेगा। हम थोड़ा सा अगर करेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे 51,900 ये वाला करेक्ट कर सकते हैं, इंट्राडे बेसिस पे ये चीज़ भी यहाँ पे काम करेगी। इसको कर देते हैं डिलीट, आ गया ये। अब अगर नोट करना चाहें, अपने चार्ट पे लगाना चाहें, चार्ट पे ड्रा भी कर सकते हैं। नीचे के सपोर्टिंग लेवल 52,400 से लेकर के 52,500, इसको ब्रेक करके अगर आती है 52,160, यहाँ तक आने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी 51,920 के आसपास का सपोर्टिंग लेवल हमने ड्रा कर दिया। बात करते हैं ऊपर की, तो ऊपर का ये वाला अगर हाई ब्रेक होता है तो ये होगा हमारा एनटीजेड यानी नो ट्रेडिंग जोन, ये वाला NTZ। अब ये मैंने कैसे निकाला है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, जब इसको फ्रेश ब्रेकआउट करेगा तब हम कुछ प्लान करेंगे ऊपर की साइड में, अदरवाइज जैसे यहाँ से ब्रेकआउट फेल हुआ है तो यहाँ भी ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो इसलिए इसको हम NTZ यानी नो ट्रेडिंग जोन ही घोषित कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक दिन में नहीं पता चल पाएंगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे तो ज़रूर आपको पता चल पाएंगी। और ये 53,173 यहाँ पे मार्केट, लोग कह रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट धराशायी होगी, मार्केट बहुत बेरिश होगी, वहीं पे मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप सभी को पता होगा, अदरवाइज प्रीवियस वीडियो हमारी जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। और नया हाई लगाया है, और मैंने 55,000 तक का बताया हुआ था कि मार्केट जो है ये हाई लगा सकती है, ठीक है, यहाँ तक 55,000-56,000 के आसपास में। तो यहाँ पे 53,176 के आसपास में आपने हाई देखा। अब अगर इसको ब्रेक करती है, ब्रेकआउट देती है, फ्रेश ब्रेकआउट 53,176 के ऊपर, या 200 रैंडम करते हैं 200 के ऊपर, तो फिर 53,500 और 54,000 ये रैली आपको ऊपर की साइड में दिखाई दे सकती है। उम्मीद है वीडियो समझ में भी आई होगी, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, विद इन आवर हम आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करेंगे। मैं स्वयं आप सभी के कमेंट्स देखता हूँ, रीड करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।